हेलो एवरीवन, अब देखो वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देख रहा हूँ, ठीक है? अपनी कॉपी में, अपने वर्कबुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 गेट 2001 का क्वेश्चन था, एक आपके पास थायरिस्टर बना हुआ था ये, और लोड में प्योर इंडक्टेंस लगा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, और बोला था कि हाफ वेव थायरिस्टर कन्वर्टर सप्लाई ए प्योर इंडक्टिव लोड एज शोन इन द फिगर, इफ द ट्रिगरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर इज 120 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री था। देखो ध्यान से, इफ अल्फा इज 120 डिग्री, बोला था कि द एक्सटेंशन एंगल विल बी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके पास। अब एक्सटेंशन एंगल पूछा है, तो देखो ये मैं सब पढ़ा रहा था अभी आपको, थोड़े पहले लेक्चर के पहले ये मैं पढ़ा रहा था। तो अल्फा आपके पास नॉर्मली, हमको पता है ये 90 होते हैं नॉर्मली, जब भी हम फिगर कहीं पे भी बनाते हैं तो अल्फा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम अल्फा 90 से कम बनाते हैं, अल्फा 90 बना सकते हैं, 90 से कम बना सकते हैं, 90 से ज़्यादा बना सकते हैं। नॉर्मली ऐसा फिगर देखने को ज़्यादा मिलता है जब अल्फा लेस देन 90 बनाते हैं। अब अल्फा की वैल्यू अगर 120 डिग्री है तो ये 90 के बाद 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे होगा फिगर, यहाँ पे होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से होगा। और फिर अगर मैं यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि अल्फा की वैल्यू 120 है, तो मेरे को ये भी पता है कि जहाँ पे अगर मैं आउटपुट की बात करूँ कि इस जगह पे ये आउटपुट करंट है, इस जगह पे अल्फा यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, और एस सी आर आपका जो डिवाइस है वो कहाँ पे ऑफ होगा, तो वो ये है 2π - α वो जगह है, क्योंकि मेरे को करंट की वैल्यू पता थी। इस डिवाइस से करंट तब जीरो फ्लो होगा ना, इस डिवाइस से जिस जगह पे करंट जीरो फ्लो होगा वही तो उसका एक्सटेंशन एंगल होगा। तो I नॉट की वैल्यू ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पे बीटा वो वैल्यू होता है जिस पे करंट जीरो हो जाएगा। तो ओमेगा टी की वैल्यू बीटा, और बीटा की वैल्यू 2π - α होता है। और अगर मैं 2π - α अगर पुट कर रहा हूँ तो 2π - 2α, और अल्फा की वैल्यू 120। अब ये 120 है तो ये तो डिग्री है, तो रेडियन है, तो या तो आप 360 पुट करो, -2 × 120 तो 240 हो गया, तो 120 डिग्री आ गया। देखो ध्यान से, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बीटा की वैल्यू 2π - α है, सॉरी अल्फा बनता 120, सॉरी, तो 360 - 120 डिग्री, और 360 - 120 डिग्री दैट मीन्स 240 डिग्री। 240 डिग्री आपके पास जो होगा वो होगा एक्सटिंक्शन एंगल बीटा की वैल्यू, जिस जगह पे डिवाइस ऑफ होगा, और उस जगह पे आपके पास जो करंट फ्लो होगा सर्किट से जीरो फ्लो होगा। जैसे हम जानते हैं एनर्जी स्टोर किया पाई तक, और पाई से लेकर 2π - α तक एनर्जी आपके पास रिलीज कर दिया, तो करंट विल बी जीरो। तो जो एक्सटेंशन एंगल होगा 240 डिग्री होगा। मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें आपके पास 240 डिग्री ए ऑप्शन है, आपके वर्कबुक में ए आंसर दिख रहा होगा। इसमें अगर वो बोलते कि बताओ कंडक्शन एंगल कितना होता, तो कंडक्शन एंगल जो होता है ना वो गामा होता है, β - α। अगर वो कंडक्शन एंगल पूछ लेते तो कंडक्शन एंगल β - α होता, और बीटा की वैल्यू 2π - α मतलब 240 डिग्री होता, और अल्फा की वैल्यू 120 होता, तो जो ओमेगा की वैल्यू होता है वो 120 है गामा की वैल्यू। तो कंडक्शन एंगल जो होता है 120 डिग्री होता, एक्सटेंशन एंगल 240 है। अगर वो कंडक्शन टाइम पूछ लेते तो ओमेगा टीसी की वैल्यू 120 है, तो 120 अपॉन 360, पाई अपॉन 360 फुट किया तो पाई बाय 3 आ गया, तो पाई बाय 360 होता है, तो 2π/3 आ गया, पाई बाय 3 मतलब 60 × 2 तो 120, क्लियर? तो 120 अपॉन पाई अपॉन अगर मैं पुट कर रहा हूँ 360, तो हमको क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम तो सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरे को किसी भी डिग्री को अगर मैं बोलूँ कि ये 120 डिग्री हो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 180 से डिवाइड किया तो 2/3, तो 2/2π/3। अब ओमेगा की वैल्यू मेरे पास होता है 2πfTC इज इक्वल टू 2π/3, TC स्टार लिखो, अपन हमेशा TC स्टार लिखते हैं कंडक्शन टाइम को, एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ मैं, 2π कैंसिल आउट, तो TC स्टार की वैल्यू हो गया 1/3f, और f की वैल्यू 50, तो 1/3 × 50, तो 1/150 सेकेंड या 1/50 तो 20 मिली सेकेंड होता है, 20/3 मिली सेकेंड, 6.67 मिली सेकेंड आ जाएगा, 6.67 मिली सेकेंड, ये कंडक्शन टाइम होगा सेम क्वेश्चन में। तो मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए, अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि कंडक्शन टाइम क्या होगा इस क्वेश्चन का, 6.67 मिली सेकेंड, मैं से कुछ पूछ रहा है कि कंडक्शन एंगल कितना होगा 120 डिग्री, मैं से कोई पूछ रहा है कि एक्सटेंशन एंगल कितना होगा, एक्सटेंशन एंगल जिस जगह पे इंडक्टर करंट जीरो होता है, जहाँ जहाँ पे बीटा हम डिफाइन करते हैं जिसको डिस्कंटिन्यूस कंडक्शन बोलते हैं, जिस जगह पे करंट की वैल्यू जीरो होती है डिवाइस में से करंट जीरो फ्लो होता है, इधर 2π - α, ये 2π - α, तो 2π - 120 पुट किया तो 240 डिग्री था, तो आंसर 240 डिग्री था, और बाकी एक्स्ट्रा बात और भी कर दिया मैं जो कि आपको पता होना चाहिए। चलो वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जब मैं वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ कि वर्कबुक में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कि क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके पास वर्कबुक का, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वर्कबुक का, वो गेट 2000 वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 12 गेट 2014 का क्वेश्चन है, गेट 2014 का क्वेश्चन है। जस्ट आपके पास गुड आइडिया है कि देखो आपके पास टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज्ड है, 2.5 मिली सेकेंड है टाइम,
2.5 मिली सेकेंड ए टाइम, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज है, यस ये वी एस, ये उसके बाद ये एल है, ये एल, ये लोड करंट आई एल। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते जाओ जरा, क्वेश्चन को रीड करो। ए डायोड सर्किट फीड्स एन आइडियल इंडक्टर एस शोन इन द फिगर गिवन वी एस इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी। वी एस की वैल्यू 100 साइन ओमेगा टी वोल्ट, चलो ठीक है। वेयर ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, जब भी आप 100 पाई बोलते हो ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ट्स होता है, वो तो होना ही चाहिए। टाइम पीरियड जो होता है वो 1/50, मतलब 1/50 जब भी मैं पुट करता हूँ तो 20 मिली सेकेंड आ जाता है, तो टाइम पीरियड विल भी 20 मिली सेकेंड, फ्रिक्वेंसी विल भी 50 हर्ट्स, और 100 पाई मतलब 314 रेडियन पर सेकेंड, वी एस इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी वोल्ट। एल की वैल्यू गिवन है, इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 31.83 मिली हेनरी। तो 31.83 मिली हेनरी द इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट इज जीरो, ठीक है भाई। द स्विच एस इज क्लोज एट टी इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड, जब आप टाइम बोलते हो ना, सॉरी यहाँ पे डायोड नहीं बनाया, डायोड तो होगा ना, डायोड तो था यहाँ पे, हाँ जब आप बोलते हो कि टाइम 2.5 मिली सेकेंड पे स्विच क्लोज हो रहा है, टी नॉट लिख देता हूँ, 2.5 मिली सेकेंड पे स्विच क्लोज हो रहा, तो क्यों ना अच्छे से बात की जाए, 2.5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड मतलब 10^-3, 2.5 डिवाइड बाई 1000 सेकेंड, ये टाइम है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर ओमेगा टी की वैल्यू, अगर ओमेगा टी कितना होगा आपके पास, ओमेगा टी की वैल्यू रेडियन वैल्यू होता है, ओमेगा टी नॉट दैट मीन्स अल्फा, जिस जगह पे स्विच आपके पास क्लोज होगा, अगर मेरे को एस सी आर बनाना है तो अल्फा की वैल्यू कितना होगा ओमेगा टी नॉट, तो ओमेगा की वैल्यू होगी आपके पास 2 पाई इंटू एफ, और एफ की वैल्यू 50, और टी नॉट की वैल्यू 2.5/1000। अब मेरे को क्लियर होना चाहिए कि ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है और ये सेकेंड है, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल आउट, ये रेडियन बन गया अपने आप। अब रेडियन बन गया तो क्या हो गया, ये 50 × 200 हुआ, और 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया 10, 2.5 आपके पास हुआ तो पाई, 2.5/10 है तो ये 1/, ये 2.5 है तो 2.5 डिवाइड बाय आपके पास, अगर मैं 10 कर रहा हूँ तो देख सकते हो आपके पास कि कितना रिजल्ट हो जाएगा, तो 10/2.5 है तो 0.25, तो 1/4 आ गया, दैट मीन द पाई बाई 4 आ गया। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 होगा तो 45 डिग्री होगा, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपके पास अगर डिले एंगल गिवन है डिग्री में तो मेरे को टाइम निकालते आना चाहिए, और अगर टाइम गिवन है मेरे को तो मेरे को फिर अल्फा निकालते आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू थायरिस्टर विद अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पाई बाई 4। आपकी चॉइस है डिग्री या रेडियन लिखना, और ये प्योर इंडक्टेंस है दिस वन। तो आपके पता होना चाहिए, कई बार जब क्वेश्चन कोई फ्रेम करता है तो उसकी प्लानिंग का पार्ट ऐसा होता है, कई बार ऐसा प्लानिंग का पार्ट होता है कि वो थायरिस्टर की जगह एक डायोड बना दिए और एक स्विच लगा दिए, एक्चुअली वो थायरिस्टर ही था जिसमें 45 डिग्री डिले एंगल है, क्योंकि स्विच लगा के क्लोज लगा दिए टाइम पे, इतने टाइम पे स्विच क्लोज हो रहा, चलो 45 डिग्री ओके नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि द पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट आई एल इन एम्पियर इन द फर्स्ट साइकिल। तो जब आपको पता है कि पीक करंट की जब हम बात करते हैं, तो पीक करंट की जब हम बात करते हैं वो भी एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में, तो अपने को पता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर मैं पीक करंट की बात करता हूँ तो ये अल्फा से स्टार्ट होता है आपके पास, और यही तो पता होना चाहिए कि 2π-α तक होता है ये, और इसके बीच में जिस जगह पे पीक वैल्यू पे अटेंड करता है ये पाई है। वैसे तो आई नॉट की वैल्यू जो लोड करंट है उसकी वैल्यू है Vm अपॉन ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये सॉल्व करके दिया हूँ मैं। अगर ओमेगा टी की वैल्यू पाई है तो कॉस 180-1 होता है तो प्लस हो गया वो, तो Vm अपॉन ओमेगा एल 1+cos α इज द पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू है इसका पाई पे, ये पाई पे आपके पास ये एनर्जी स्टोर करेगा, यहाँ पे अल्फा से लेके पाई तक एनर्जी स्टोर करेगा और पाई से लेके 2π-α तक एनर्जी रिलीज करेगा ओके। तो Vm अपॉन ओमेगा एल cos α-cos ωt है आई नॉट की वैल्यू ओके ठीक है, पाई पे आपके पास Vm अपॉन ओमेगा एल 1+cos α पीक वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पीक वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट कितना होगा, वो भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आंसर तुरंत भी लिख सकता था कि वी नो दैट Vm अपॉन ओमेगा एल 1+cos α, मजा नहीं है उसका, पूरी चीज़ों का मजा है जब आप पूरी चीज़ों के बारे में बात करते हो। तो इससे रिलेटेड अगर मैं आंसर की बात करूं तो Vm कितना है, Vm तो 100 वोल्ट है द पीक वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू कितना है, ओमेगा की वैल्यू तो आपके पास होता है 100 पाई 2 पाई एफ। एल की वैल्यू कितना है, तो एल की वैल्यू जो था वो 31.83 डिवाइड बाई 1000 था, ठीक है, क्योंकि मिली हेनरी था,
और फिर आपके पास 1 प्लस कॉस अल्फा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा और अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, कॉस 45 1 बाई रूट 2। तो ये 100 पाई में से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 गया, और फिर आपके पास 10 था, 1000 पाई हो गया। तो रिजल्ट वाइज अगर मैं देखूँ कि आंसर कितना है, यहाँ पे देख लेता हूँ इस जगह पे कि रिजल्ट कितना आपके पास, तो ऊपर चला गया, तो 1000 अपॉन पाई और 31.83 और 1 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रूट 40 आपके पास 45, तो 0.707, ये इतना हमारे पास रिजल्ट। तो 1000 अपॉन पाई 31.83, कैलकुलेटर निकालो, मेरे पास आंसर लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, इस जगह को डिवाइड करो। की बात करूं कि आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का, अगर मैं ऐसा देख रहा हूं तो आंसर आपके पास 17.07, और आंसर आपके पास जो है वो एम्पियर में, तो 17 पॉइंट चेक कर लेंगे, 17.07 एम्पियर आना चाहिए, 17.07 एम्पियर आना चाहिए। चेक करो जरा कैलकुलेटर से, चेक करो 1000 अपॉन पाई 31.83 और 1 प्लस कॉस अल्फा 45, कॉस 45 1/√2 0.707, 1.707 में मल्टीप्लाई करो 1000 का, तो 1707 आ गया, और उसके बाद पाई से डिवाइड किया 31.3, 90s के आसपास, 100 के आसपास है, तो लगभग आना चाहिए इतना 17 एम्पियर के आसपास, तो 17.07 एम्पियर आ रहा है। ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन लिया मैं, कंट्रोल रेक्टिफायर सिंगल फेस, हाफ रेक्टिफायर जिसमें प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बात की, और ये जो बना हुआ है ये पूरा मैं समझा भी रहा था, और भी आंसर अगर एक बार क्रॉस चेक करना तो मेरे पास आंसर लिखा होगा, और एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर 17.017 है कि नहीं। यस 17.07 एम्पियर, यही जो हम सॉल्व किए। तो ये आपके पास, मैं थोड़ी देर पहले जब मैं प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बता रहा था कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है जीरो होता है, पॉजिटिव एरिया इक्वल नेगेटिव एरिया, सब मेरे पास है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ होता है आपके पास, पीक वैल्यू आपके पास जो होता है वो वीएम होगा, सब कुछ मेरे पास है यहाँ पे। अब कोई क्या पूछना उसकी चॉइस हो सकती है, थायरिस्टर वोल्टेज का फिगर बनाना हमेशा पसंद करता हूँ, मेरे को पता है कि कब कब क्या क्या होता है आपके पास, कौन सा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है, कौन सा कंडक्शन टाइम होता है, सब कुछ बना हुआ, कब एनर्जी स्टोर करता है, कब एनर्जी रिलीज करता है, पीक वैल्यू कितना होता है, एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर में पीक वैल्यू कितना होता है, कंट्रोल रेक्टिफायर में पीक वैल्यू कितना होता है। तो जो अगर हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई अगर हमसे कोई एकाधी बात करना पसंद करेगा, कोई अगर हमसे पूछेगा कि क्यों ना सर ये सॉल्व कर लिया जाए, क्यों ना हम इसकी बात कर लिया जाए, थोड़ा सा ये 2.5 मिली सेकेंड पे बेस बात था आपके पास कि देखो स्विच क्लोज हो रहा है, टी इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड पे, अगर मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ तो मैं इस डायोड को SCR बना लूंगा और इस टाइम को हटा दूंगा और ये टाइम डिले एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आंसर 45 डिग्री था, और बाकी रिजल्ट मेरे को पता होना चाहिए। बाकी तो जो तरीका होता है क्वेश्चन को देने का कि कितना इनपुट वोल्टेज है, कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू है, तो इसको अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन तो पता नहीं है, तो जो भी आप सॉल्व करोगे सही होगा तो गलत होगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो इसलिए फिर मिस्टेक ज़्यादा होता है, तो आप ट्राई करें कि मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो बिल्कुल मैं दो क्वेश्चन सॉल्व कराए इस वीडियो लेक्चर में, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 11, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमको इसलिए बनना चाहिए क्योंकि मैं पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो आपको सोचते आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सोचते हैं, कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, और मैं कुछ कुछ गुड क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ जो कि IIT के प्रोफेसर लोग फ्रेम किए, फिर अपन कुछ नॉन गेट क्वेश्चन भी लेंगे, IAS का भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक पावर टाइम्स की बेसिक फीलिंग पे बेस्ड चीज़ें चल रही है, अभी तो हम कंट्रोल रेक्टिफायर में, फुली कंट्रोल रेक्टिफायर में जाएंगे, ब्रिज रेक्टिफायर में जाएंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को, अपने कंसेप्ट को बढ़ाते जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही आप अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करते जाइए, ठीक है, ओके।